हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे ही नेट की एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई थी कि अब हम डेली लाइव क्लास, लंबी मैराथन क्लास लेके और आखिरी का आपको जो भी है 24 तक करवाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है और इसलिए ये चीज हो ही नहीं पाई। बट स्टिल आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैंने एक चीज ये देखी है कि पेंटिंग्स वाले क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत आती है सबको, जो भी आर्ट वर्क्स फोटोग्राफ्स आते हैं, तो उसी को लेके कुछ आर्टिस्ट जो आपके सिलेबस में हैं, है ना, उसको ट्राई किया है जो ऐसे आर्ट वर्क्स नहीं है जो बहुत सबके लिए नए हैं। तो घबराना मत कि आपको नहीं पता इसके आर्टिस्ट कौन है, ठीक है, क्योंकि ये आए हुए नहीं है और हम ज्यादा देखते भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी ताकि आप लोग एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाए कि ये स्टाइल इस आर्टिस्ट का है, ये पहचानने की कोशिश करो, ना कि रटने की कि यार ये इसका नाम ये है और ये इसने बनाया था। ये मत करो, पहले कोशिश करो कि इस तरह का काम किसने किया है, ये दिमाग में बिठाओगे तो आंसर कर पाओगे। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा आंसर सही हो जाए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप नॉलेज रख रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ठीक। तो थोड़ा सा पेंटिंग भी है, मूर्ति भी है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी जितने मैंने कलेक्ट किए हैं उसके बाद कोशिश करूंगी अभी 2-3 दिन में और ज्यादा फोटोज वो करके और आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये जो पहला स्कल्पचर है, फर्स्ट ये है आपका टोर्सो ऑफ यंग मैन, ठीक है, ये आया हुआ है शायद यंग मैन, और नहीं भी आया तो भी ध्यान दीजिए, टोर्सो ऑफ यंग मैन है। मेरे लिखने का टाइम नहीं था इसलिए मैंने सीधे फोटो ही दिया, टोर्सो ऑफ यंग मैन है। ये कॉन्स्टेंटाइन ब्रांसुसी का है, ठीक है, ब्रांसुसी का है, इतना याद रखिए। ब्रांसुसी के बहुत आर्टवर्क्स आए हैं, जैसे बर्ड्स इन स्पेस है, कॉलम है, आगे देखेंगे अपन, तो ये उनका है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, ये जो है हॉर्स विदाउट राइडर, ठीक है, बिना मतलब चालक के जो हॉर्स है, हॉर्स विदाउट ट्रैक्टर, ये किसका है, तो ये एंटोनी बोडील का है, ठीक है, एंटोनी बोडील का है। ये आपके सिलेबस में ही आर्टिस्ट है, मैं नए कहीं से नहीं लाई हूँ, ठीक है। तो ये उनने बनाया है, ये रोडिन के स्टूडेंट रहे हैं, ऑगस्ट रोडिन के स्टूडेंट रहे हैं और जियोकोमेटी के टीचर रहे हैं, तो कभी नाम भी आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका, क्योंकि डाइंग सेंटोर आया था आपको पता है, तो इसलिए ऐसे ये भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब आते हैं, ये तीसरा वर्क है, ये जो है रेप ऑफ यूरोपा है, क्या है, रेप ऑफ यूरोपा, ये आप जानते हैं कि रेप ऑफ यूरोपा जो कि विसेली की, पीटर पॉल रुबेंस की पेंटिंग है, मूर्ति किसकी है, तो ये है जैक्विस लिपचिट्स की, ठीक है, जो आपको पता है ये कितनी बार नेट में भी आए हैं, है ना, क्यूबिस्ट स्कल्प्टर हैं, तो उनकी है ये, उसको ध्यान रखना। एक इनकी पीस ऑन अर्थ जो ब्रॉन्ज की है, वो शायद मैंने इसमें दी नहीं होगी, वो भी इम्पोर्टेंट है अभी अभी के उस पे, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा। डरने की बात नहीं है कि हमने ये नहीं किया है, ये नहीं किया है इसलिए ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये पेंटिंग देखिए और इस तरह के काम को ध्यान रखिएगा। ये जो है अपने डेविड हॉकनी ने बनाया है, ठीक है, इस तरह का काम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेविड हॉकनी भी आपके सिलेबस में है, और पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, इसका नाम ही यही है, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट इस पेंटिंग का नाम, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे जाते हैं, ये वही है देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था डाइंग सेंटोर जो कि आ चुका है, ठीक है, डाइंग सेंटोर है जो कि ये बाउडील ने बनाया है, तो इनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ये देखिए एक और, ये भी रिवर
रिवर बोलते हैं, या है ना ऐसा ला रिवर फ्रेंच, इनका फ्रेंच नेम भी होगा ये जो है। आर्टिसेट मेलियोल ने बनाया है, ठीक है। मेलियोल एक बहुत अच्छे स्कल्प्टर माने जाते हैं, और बोला गया है कि औरतों को जो मूर्ति, औरतों की मूर्तियां बनाने में भी इनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनने बनाया है। तो ये वाली वो भी आप उनकी देखें। फिर ये देखिए इस फ्यूचरिस्ट है ना, फ्लूट पे जा रहे हैं जो, ये जो है किसका है, उनका है अर्नस्ट बारलच का है, ठीक है। अर्नस्ट बारलच का है, जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट मूर्तिकार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने बहुत काम करे हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी किया है ना, सिंगिंग मैन है और ये सब फ्यूचरिस्ट, ठीक है। अर्नस्ट बारलच, ये एक और, अब आपको खुद को इसमें समझ आएगा कि किनका वर्क होगा। मैंने अभी लास्ट आपको बताया है जो वर्क है ना, तो ये भी डेविड हॉकनी का है, माय पेरेंट्स करके उनने जो पेंटिंग बनाया है, ये भी डेविड हॉकनी का है। क्या है इसका नाम, माय पेरेंट्स, या पेरेंट्स, उनने अपने पेरेंट्स को चित्रित किया है। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये जो है प्रेयर, क्या है प्रेयर, किसने बनाया है, किसका है, तो ब्रांसुसी का है ये भी, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ब्रांसुसी का, ये आपको पता ही है, बहुत मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। ये है बर्ड्स इन स्पेस, ठीक है, बर्ड्स इन स्पेस, ये भी कॉन्स्टेंटाइन ब्रांसुसी का है। ये देखिए, ये अभी जो लास्ट ही नेट के एग्जाम में आया था, क्लियर नहीं है पर देखिए वही है, वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, ठीक है, वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, किसके द्वारा बनाया गया है, तो एलेक्जेंडर आर्किपेन को, ठीक है, वुड का है, ठीक। आर्किपेन को एक अच्छे क्यूबिस्ट मूर्तिकार माने जाते हैं। ये ब्रांसुसी का एंडलेस कॉलम, इसको ये तो नाम से भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। एंडलेस कॉलम है, किसने बनाया था, ये भी ब्रांसुसी ने बनाया था। ये बैगर है, ठीक है, बैगर दिख रहे हैं आपको उसकी, ये भी अर्नस्ट बालच का है, जो अभी आपको, जिसका मैंने पहले भी वो फ्यूचरिस्ट भी बताया था, ठीक है, एक जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट मूर्तिकार है अर्न बालच, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्री नाम है इसका, क्या है, ज्योमेट्री, ये भी किसका है, तो आपको जो अभी मैंने आपको एलेक्जेंडर आर्किपेनको का दिखाया, उससे आपको समझ आएगा कि ये उन्हीं का लग रहा है, उसी से मैच कर रहा है, इस तरह का मूर्ति क्यूबिस्ट में उन्हीं ने बनाया है, तो ये आप उस पे कर सकते हो, एलेक्जेंडर आर्किपेनको का, ठीक है। ये देखिए ये है सीटेड फिगर, ठीक है, किसका है, तो जैक्विस लिप्टिट का, क्यूबिस्ट का फॉर्म दिखेगा इसमें आपको, और है ना देख के ही समझ आएगा, इनने पिकासो के साथ भी कार्य किया है, तो वो चीज का प्रभाव आपको इनकी मूर्तियों में एग्जैक्टली दिखेगा, ठीक है। देखिए मैन विथ गिटार, सेम जैक्विस लिप्टिट का ही है, ठीक है, क्या है, मैन विथ गिटार, ये भी किसका है, उन्हीं का है। अब ये थोड़ा सा जो पेंटिंग आर्टवर्क उनको देख लेते हैं अपन, तो ये है डांसिंग बर्ड, डांसिंग बर्ड है, बनाया किसने है,
तो अमरनाथ सहगल द्वारा, ठीक है, अमरनाथ सहगल ने, जिनका आप सिर्फ पोर्ट्रेट वो मूर्तियां ही ज्यादा देखते हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ ये दरी पे बनाया है उनने, ये भी काम आपको थोड़ा सा देख लेना, ठीक। ये तो शायद आई है नेट में, इस एनिमल पेंटिंग, क्या है, एनिमल पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, तो बिशंबर खन्ना, ठीक है, बिशंबर खन्ना द्वारा बनाई गई है। ये देखिए, ये भी आया हुआ है काम, न्यूड डिसेंडिंग द स्टेयरकेस, ठीक है, ये वाला आया है, ये तो पहले किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये मार्सेल डिचैम द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये देखो इनका काम स्टाइल देख के ही समझ आ जाएगा आपको कि किसके द्वारा बनाया गया, अगर काम देखा है किसी का तो, ठीक है। जैनुअल ओबेदीन, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया टाइडल पोअर, ये वही हैं जिनने जो बोलेंगे कि बंगाल अकाल और इन सब पे बनाया गया है ना, उन सब पे काम बनाए, ये वही हैं, ठीक है। तो इनका इसी तरह का काम आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए, ये बहुत बार आपने नाम सुना होगा लेकिन काम शायद ही देखा होगा, मोर्निंग, ठीक है, मोर्निंग किसके द्वारा बनाया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा मोर्निंग। ये बताइए, ये है रॉबर्ट्स, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। ये तो मैंने क्विज में भी काफी पूछा है, बर्थडे, ठीक है, ये स्टाइल को देखिए तो आपको ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, बर्थडे किसके द्वारा बनाया गया है, मार्क शेगॉल द्वारा, ठीक है, मार्क शेगॉल द्वारा। ये देखिए, इसका स्टाइल देख के आप समझ जाएंगे कि ये सैल्वेडर डाली द्वारा बनाया गया है, ठीक है, डाली द्वारा बनाया गया है। और क्या है इसका नाम, तो है सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विथ बाइल्ड बीम, ठीक है, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है सिर्फ ऐसे करके, तो ये उनके द्वारा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये जो है वो है क्विट इंडिया मीटिंग, मैं जानती हूँ कंप्लीटली नए हैं ज्यादा, लेकिन आपके यूजफुल रहेंगे। किसने बनाया है, बाबूजी शिल्पी ने, ठीक। फिर आगे देखते हैं, इसलिए सिर्फ काम बता रही हूँ आपको, ज्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है। ये जो है द मैसेंजर है ना, इसका अभी हिंदी मेरे पास नहीं है, पर आप लोग उससे भी कंसीडर कर सकते हैं, अहिवासी, JN अहिवासी द्वारा, ठीक है, जो कि JJ के वो हैं एलुमनाई। ये है वो लवर्स, किसके द्वारा बनाया गया है, MP भोपले द्वारा, ठीक है। ये है जो है उनके द्वारा है, कृष्णा रेड्डी, अरे कृष्णा रेड्डी क्या, पीटी रेड्डी, सॉरी, है ना, तो पीटी रेड्डी ने बनाया है वो पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस हाथी सिंह, ऐसा है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका स्टाइल उस पर देख लीजिएगा, बाकी ऐसा काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। ये हलदनकर जी के द्वारा है, उनका है पिलग्रिम नेच, है ना, पिलग्रिम बनाया हमने, मोमेडियन पिलग्रिम, ऐसा है ना।
फिर ये देखिए, ये भी आपके सिलेबस में है, कैमिल कमाल क्लाउडल, सॉरी कैमिल क्लाउडल, कैमिल क्लाउडल उनके द्वारा बनाया गया है। नाम है इसका शकुंतला, मार्बल का है, ठीक है, इस तरह का ये उनने बनाया, कैमिल क्लाउडल ने। फिर ये एक और देखते हैं, ये भी उन्हीं का है, अभी जो अपन ने बात की है, इनका काफी आ गया इसलिए सोचा कि ये भी, एलेक्जेंडर आर्किपेनको, क्या है, क्वीन ऑफ शेबा, ठीक है। तो ये थोड़े से थे, उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अभी अपन और, मैं कोशिश करूंगी कि अभी 2-3 दिन में और ऐसे जिनका नाम हमने नहीं सुना है, क्या पता इनमें से कोई आ जाए, तो इसलिए कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहें, पढ़ाई अभी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।